हेलो चिल्ड्रन वेलकम टू सेशन टुडे इन इंग्लिश वी विल बिगिन विथ पार्ट फाइव दैट इज चैप्टर नंबर फाइव आर नेशनल फ्लैग नेशनल मींस राष्ट्रीय फ्लैग मींस ध्वज जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो हम इस चैप्टर उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे इट वॉज़ द फिफ्टींथ ऑफ अगस्त पंद्रह अगस्त का दिन था पंद्रह अगस्त को क्या आता है इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस रोहित वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग और उस दिन रोहित यहाँ पे एक बॉय है जो मॉर्निंग के अंदर सुबह जल्दी उठ गया था ही रोड हिज स्कूल यूनिफॉर्म और मॉर्निंग के अंदर स्कूल जाने के लिए उसने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को वियर किया रोड मीन्स पहनना वियर करना वेयर आर यू गोइंग तुम कहाँ जा रहे हो आग हिज फादर और उसके फादर ने उससे पूछा तुम कहाँ जा रहे हो वी हैव टू बी इन द स्कूल एट नाइन ओ क्लॉक फॉर द फ्लैग होस्टिंग सेड रोहित रोहित ने बोला कि हमको नौ बजे जो है वो स्कूल पहुँचना है क्योंकि नौ बजे स्कूल के अंदर फ्लैग होस्टिंग हो जाएगी यानि राष्ट्र ध्वज जो है वो लहराया जाएगा रोहित स्पेशल डे फॉर मेनी मैनीयर्स अगो और रोहित के जो फादर हैं रिमेंबर्ड मीन्स याद रखना वो एक स्पेशल डे को बहुत ही सालों से याद रख रहे थे इट वॉज द फिफ्टींथ ऑफ ऑगस्ट और वो कौन सा दिन था पंद्रह अगस्त 1947, 1947. सेवन फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे हमारा जब इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट कब हुआ था फिफ्टीन ऑफ अगस्त 1947 को वो क्या उसके फादर उसको बोल रहे थे कि ये जो डे है वो क्या है रिमेंबर्ड डे है रिमेंबरिंग डे है ये कैसा डे है जो हम सबको याद रखना चाहिए वॉट इज आर नेशनल फ्लैग कॉल्ड हम अपने नेशनल फ्लैग को क्या बोलते हैं आग्स रोहित फादर रोहित के फादर ने उससे क्या क्वेश्चन किया कि हम हमारे नेशनल फ्लैग को क्या बोलते हैं आई नो इट इज कॉल्ड ट्राई कलर ट्राई कलर मीन्स उसके अंदर कौन से कलर होते हैं थ्री कलर्स होते हैं नेशनल फ्लैग के अंदर सेफरन व्हाइट एंड ग्रीन इसीलिए उसको ट्राई कलर बोला जाता है रोहित ने अपने फादर को क्या बोला कि उसको क्या बोला जाता है ट्राई कलर रिप्लाइड रोहित यस बट डू वी कॉल इट ट्राई कलर हम उसको ट्राई कलर क्यों बोलते हैं बिकॉज़ इट हैज थ्री क्योंकि उस फ्लैग के अंदर थ्री कलर होते हैं वॉट कलर इज एट द टॉप ऑफ द फ्लैग आज रोहित फादर उसके फादर ने क्या पूछा कि फ्लैग के, के एकदम टॉप पर कौन सा कलर होता है सैफ्रन रोहित सेट उसने क्या बोला कौन सा कलर होता है सैफ्रन यानी ऑरेंज कलर होता है वाइट इज इन द मिडल, और मिडल में कौन सा कलर होता है वाइट कलर एंड ग्रीन इज एट द बॉटम, और ग्रीन जो है बॉटम मतलब लास्ट में जो कलर होता है वो कौन सा होता है ग्रीन कलर फर्स्ट इज सेफ्रेन वाइट एंड ग्रीन देयर इज अ व्हील और चक्र इन द मिडल और व्हाइट कलर जहां पे फ्लैग का होता है उसके बीच में एक व्हील एक चक्र जैसा बना हुआ होता है इट इज ने ब्लू इन कलर वो कौन से कलर का होता है ब्लू यानी नीला कलर का होता है इट है और उस व्हील यानी उस पूरे चक्र के अंदर ट्वेंटी फोर यानी चोइस जो है वो स्पोक्स बने हुए होते हैं आपने अगर नेशनल फ्लैग देखा होगा तो उसके अंदर एक व्हील बना हुआ होता है और उस व्हील के अंदर 24 जो लाइंस बनी हुई होती हैं हम उसको स्पोक्स बोलते हैं वो कितनी होती है टोटल 24 वी होस्ट आर ट्राई कलर आल्सो ऑन द 26th ऑफ तो जनवरी उसके फादर ने ये बोला है कि हम 15 अगस्त को ही नहीं 26 जनवरी को भी हम नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं इट्स इज इंडियाज रिपब्लिक डे और 26 जनवरी को क्या होता है हमारा रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस ये किसने बोला है उसके फादर ने डू यू नो पापा the national फ्लैग इज आर स्कूल इज मेड ऑफ खादी अब उसने अपने फादर को क्या बोला है कि ये जो हमारा नेशनल फ्लैग है ये नेशनल फ्लैग जो है ये खादी क्लोथ का यानी ये जो कपड़ा है इसको हम क्या बोलते हैं खादी बोलते हैं नाउ द न्यू वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर इज फ्लैग अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ फैब्रिक यूज्ड एज अ सिंबल एक छोटा सा रेक्टेंगल शेप का एक कपड़े का टुकड़ा जो होता है जो कि एक सिंबल एक डिनोट करता है किसी चीज को उसे फ्लैग बोला जाता है ट्राई कलर ट्राई कलर का मीनिंग क्या है ऑफ थ्री कलर्स यानी तीन कलर से बना हुआ बॉटम मीन्स लोअर पार्ट लास्ट पार्ट जो होता है फ्लैग का उसे लोअर पार्ट बॉटम पार्ट बोलते हैं क्यू टू लाइन अप क्यू का मतलब होता है लाइन बनाना एक स्ट्रेट लाइन बनाना उसको बोलते हैं क्यू प लिटिल स्टूडेंट प्यूपल किसको बोला जाता है जो छोटे बच्चे होते हैं उनको प्यूपल बोला जाता है इस चैप्टर के अंदर हमने यही पढ़ा है अबाउट आर नेशनल फ्लैग नेशनल फ्लैग जो है हम हमारे जो 15 अगस्त और ट्वेंटी सिक्स जनवरी को होस्ट करते हैं वो चाहे स्कूल हो कॉलेजेस हो सारी जगह जो नेशनल फ्लैग है वो होस्ट किया जाता है यहाँ पे एक बॉय है रोहित जो कि बहुत जल्दी उठा और उठ के वो कहाँ जाने लग रहा था स्कूल तो उसके फादर ने उससे पूछा के, Where are you going? तो उसने क्या बोला कि स्कूल में फ्लैग जो है वो होस्ट होने वाला है रोहित के फादर ने कहा कि ये एक स्पेशल डे है जब हमारा भारत जो देश है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हुआ था वो कौन सा डे है फिफ्टीन ऑगस्ट नाइनटीन फोर्टी सेवन और फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे था जब ने जब नेशनल फ्लैग जो है पूरे इंडिया के अंदर फहराया गया था अब उसके फादर ने उसे पूछा कि नेशनल फ्लैग होता क्या है उसने बोला कि नेशनल फ्लैग एक ट्राई कलर होता है जिसके अंदर फर्स्ट कलर इन दैट इज ऑरेंज कलर देन मिड इज वाइट एंड लास्ट इज ग्रीन कलर और व्हाइट कलर के अंदर एक व्हील बना हुआ होता है उस व्हील के अंदर ट्वेंटी फोर स्पोक्स होते हैं यही इस चैप्टर में उसने अपने फादर को पूरी इंफॉर्मेशन या जो भी उसको पता था नेशनल फ्लैग से रिलेटेड उसने अपने फादर को डिफाइन किया था टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस चैप्टर यू हैव टू राइट द न्यू वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर इन योर इंग्लिश वन नोटबुक सी हियर दिस इज आर नेशनल फ्लैग यह हमारा एक राष्ट्रीय ध्वज है ये कौन सा कलर है सेफरिन कलर मींस ऑरेंज कलर ये वाला जो कलर आप देख रहे हो ये कौन सा कलर है सेफरिन कलर या मींस ऑरेंज कलर दिस ग्रीन द बॉटम पार्ट ऑफ द फ्लैग द लोअर पार्ट ऑफ द फ्लैग सबसे जो निचला हिस्सा है वो कौन से कलर का होता है ग्रीन कलर का होता है ये देखो अब ये वाला जो पार्ट है वो ये देखो व्हाइट वाला ये बीच में मिड में कौन सा है व्हाइट पार्ट है और इस व्हाइट पार्ट के मिड में क्या होता है व्हील होता है वो होता है ब्लू कलर का जिसके अंदर ट्वेंटी होती है स्पोक्स होती वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी एंड ट्वेंटी ये ट्वेंटी फोर इस व्हील के अंदर स्पोक्स होती हैं, जिसको हम लाइन बोलते हैं दिस इज कलर दिस इज वाइट कलर दिस इज ग्रीन कलर दिस इज व्हील इस व्हील को हम और क्या बोलते हैं चक्र ये फ्लैग जो है हम हमारे नेशनल डे पे होस्ट करते हैं दैट इज ट्वेंटी सिक्स जनवरी एंड फिफ्टी ऑफ ऑगस्टेंटी सिक्स जनवरी रिपब्लिक डे फिफ्टींथ ऑगस्ट इज इंडिपेंडेंस डे जो कि हमने इस चैप्टर में रीड किया है ओके okay, चिल्ड्रन आप अपनी नोटबुक में न्यू वर्ड करोगे देन यू हैव टू ड्रॉ फ्लैग इन योर नोटबुक एंड कलर इट प्रॉपरली योर होमवर्क इज you have to write new words then draw national flag and color it tomorrow we will discuss the question and answers okay thank you